नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खबरों के सुपरफास्ट बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अमेरिका में फ्लॉयड के बाद दूसरे अश्वेत की मौत। अटलांटा में गिरफ्तारी के दौरान अफसर ने मारी गोली, पुलिस चीफ ने दिया इस्तीफा। घटना के बाद सड़कों पर उतरे लोग। आईटी कंपनी इंफोसिस की एक पूर्व कर्मचारी ने कंपनी पर नस्लीय भेदभाव का लगाया आरोप। कंपनी के खिलाफ 11 जून को जिला अदालत में दाखिल किया था मुकदमा। देशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1 जून से 12 जून तक भारतीय पूंजी बाजार में 20,574 करोड़ रुपए का किया निवेश। शेयर बाजार में एफपीआई ने 22,840 करोड़ रुपए का किया शुद्ध निवेश। मार्च अप्रैल और मई में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में बिक्री कर निकाली थी पूंजी। कोरोना महामारी से दुनिया भर में कोहराम जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 78 लाख के पार, तो 4,32,000 से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। 40,35,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। देश में भी कोरोना वायरस का कहर जारी। पीएम केयर्स फंड को लेकर विवाद, पीएम केयर्स फंड का होगा ऑडिट, स्वतंत्र ऑडिटर की हुई नियुक्ति। भारत में भी कोरोना का कहर जारी। 3 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या, तो 9,000 से अधिक संक्रमितों ने गवाई जान। 1,62,000 इलाज के बाद हुए स्वस्थ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना के हालात पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ की बैठक। बैठक के बाद कहा, दिल्ली में कोविड टेस्टिंग की जाएगी 3 गुना। डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। कोरोना पॉजिटिव महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ा महंगा। तेलंगाना के सांगा रेड्डी में अंतिम संस्कार में शामिल हुए 25 में से 19 लोग कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल ने डेड बॉडी सौंपने में की लापरवाही, टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले सौंपा शव। जम्मू में जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंतजार कीजिए, एक दिन पीओके के लोग कहेंगे भारत में शामिल होना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री ने जम्मू जनसंवाद रैली को किया संबोधित। एलओसी पर पाक की नापाक हरकत, गोलियों और मोर्टार से भारतीय ठिकानों को बनाया निशाना। फायरिंग में एक जवान शहीद, 2 घायल। मुलायम सिंह की बहू और नेता अपर्णा यादव को योगी सरकार ने दी वायु श्रेणी की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने दी जानकारी। अपर्णा पीएम मोदी और सीएम योगी की करती रही है तारीफ। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बुखार आने के बाद कराया गया था कोरोना टेस्ट, पॉजिटिव आने के बाद सैफई अस्पताल में कराया भर्ती। लगातार 8वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 66 पैसे तो डीजल 63 पैसों प्रति लीटर का हुआ इजाफा। आज पेट्रोल के दाम 82 रुपए 62 पैसे तो डीजल रहा 74 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या। बांद्रा स्थित आवास पर फांसी का फंदा लगाकर दी जान। नौकर ने दी पुलिस को सूचना, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर रतन चोपड़ा का पंजाब के मलेरकोटला में निधन। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे रतन चोपड़ा। 10 दिन पहले बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र, अक्षय कुमार और सोनू सूद से लगाई थी मदद की गुहार। बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर के बर्थडे पर पति अनुपम खेर ने दी शुभकामनाएं। पुरानी तस्वीरें साझा कर दी जन्मदिन की बधाई। इंस्टाग्राम पर कुछ अनसीन फोटोज शेयर कर लिखा, मेरी सबसे प्यारी किरण को हैप्पी बर्थडे। सिंगर इला अरुण ने लाइव शोज के भविष्य को लेकर जताई चिंता। इला अरुण ने की अपील, लाइव शो आर्टिस्ट की करें मदद, आने वाले समय में सोशल गैदरिंग्स नहीं होगा आसान। इला अरुण ने लॉकडाउन के दौरान अपनी बेटी इशिता और दामाद ध्रुव धानेकर के साथ बनाया सोशल डिस्टेंसिंग पर गाना। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, तेलंगाना कर्नाटक और गोवा में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, राजस्थान में 16 जून तक रहेगा गर्मी का प्रकोप। राज्यसभा चुनाव को लेकर जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी। होटल जेडब्ल्यू मेरियट में ठहरे हुए हैं कांग्रेसी विधायक। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ बीटीपी के विधायक भी हैं मौजूद। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के आवास पर बैठक। भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुई बैठक। आरएलपी ने कांग्रेस पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। भील महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हनुमान बेनीवाल को लिखा पत्र, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की रखी मांग। कांग्रेस में बाड़ाबंदी का दौर जारी। सिरोही स्थित रिसोर्ट में ठहरे हुए गुजरात कांग्रेस के 30 विधायक। विधायक किरीट पटेल ने लगाए बीजेपी पर सत्ता दुरुपयोग के आरोप।
राजस्थान में आज 131 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या हुई 12,532, तो कोरोना से अब तक 286 लोगों ने गंवाई जान। बीकानेर के छतरगढ़ में मिला कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने वार्ड नंबर 11 को किया पूरी तरह सील, डोर टू डोर सर्वे के काम में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। अलवर के मासी कला स्थित ढाणी जोगियान में मिला एक कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित युवक के परिवार को किया होम क्वारंटाइन, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को किया सील। भरतपुर के रुदावल में मिला कोरोना पॉजिटिव, मोबिलिटी क्षेत्र में लगाया गया कर्फ्यू, सभी चौराहों पर पुलिस बल तैनात। डूंगरपुर से मोक्ष कलश योजना के तहत पहली बस रवाना, एसडीएम सुरेश खटीक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, रवानगी से पहले हुई यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। चूरू के तारानगर में बाजार बंद रखने के आदेश, व्यापारियों ने की जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना, कोरोना वायरस के चलते ही लिया गया था फैसला। सीकर के एग्रो बायोटेक फैक्ट्री सीटू यूनियन का सम्मेलन, 20 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन, सम्मेलन में कई प्रस्ताव हुए पारित। भीलवाड़ा में विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन और बावरी सेवा समिति ने किया आयोजन, रक्तदाताओं का किया गया सम्मान। हनुमानगढ़ के रावतसर में रामेश्वरम ट्रस्ट का सराहनीय कार्य, बेसहारा लोगों के इलाज और खाने पीने का उठाया बीड़ा, भामाशाहों के सहयोग से की जा रही जनसेवा। भीलवाड़ा में प्रवासी श्रमिकों को राहत, राशन वितरण का कार्य शुरू, 65,000 परिवार होंगे लाभान्वित। कोटा शहर में भीषण गर्मी के दौर में मूक पक्षियों को राहत, दाने पानी की व्यवस्था का जिम्मा केशव विकास मोर्चा समिति ने उठाया। बीकानेर में निजी बस ऑपरेटर यूनियन की बैठक, आरटीओ और डीटीओ को सुपुर्द की जाएगी सभी बसें। सांगानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार, तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाता था आरोपी। जालौर के आहोर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत पर काम करते समय हुआ हादसा, रोडला गांव का है मामला। जालौर के रानीवाड़ा में अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य जोरों पर, ग्रामीणों ने प्रशासन से की मिट्टी खनन की शिकायत, मूकदर्शक बना प्रशासन। अलवर में आयुर्वेद विभाग ने किया अमृतधारा वटी का वितरण, लोगों को दी अमृतधारा वटी के प्रभावों की जानकारी। जालौर के बागोड़ा में बूथ संपर्क अभियान को लेकर बैठक का आयोजन, केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी, पीएम के फैसलों को बताया ऐतिहासिक। शिवगंज के बड़गांव में टिड्डी दल की दस्तक, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी, टिड्डियों को भगाने का किया प्रयास। नागौर के कुचामन सिटी उपखंड क्षेत्र में टिड्डी दल ने किया हमला, किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान, ग्रामीणों ने आग लगाकर थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया। भरतपुर के बयाना में सड़कों की खस्ता हालत से ग्रामीण परेशान, राहगीर आए दिन हो रहे हादसों का शिकार, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समस्या का समाधान। श्रीगंगानगर के घड़साना में गर्मी के तीखे तेवर, तापमान में बढ़ोतरी से जनजीवन अस्त व्यस्त, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत। जैसलमेर में भीषण गर्मी में पानी की किल्लत शुरू, राहत के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुरू की पानी कारवा अभियान, 50 से अधिक ग्राम पंचायतों का किया दौरा। जयपुर में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश ने दी राहत। सिरोही के शिवगंज में गंदगी का आलम, सवली गांव में बारिश के कारण हुआ जलभराव, पंचायत प्रशासन नहीं कर रहा समस्या का समाधान। यूपी के हमीरपुर जनपद में लड़की के गायब होने का मामला, रविवार को युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, पुलिस ने बताया आत्महत्या का मामला। मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्ति वाले 64 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, योगी सरकार ने कर्मचारियों की सेवाएं की समाप्त, नियुक्तियों को लेकर काफी समय से चल रही थी सीआईडी की जांच, नियुक्तियों में नहीं हुआ था नियमों का पालन। आगरा के सोरा गांव में कुआं साफ करने उतरे 3 युवकों की मौत, जहरीली गैस रिसाव के कारण हुई मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव हाईवे पर रखकर किया विरोध प्रदर्शन। अलीगढ़ में फर्जी शिक्षिका बबली यादव गिरफ्तार, अनामिका शुक्ला बनकर की थी नौकरी, पूर्णकालिक शिक्षिका के बतौर कर रही थी नौकरी, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर बनी थी शिक्षिका।
यूपी के बिजनौर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत, भतीजी हुई गंभीर रूप से घायल। यूपी के एटा में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, मारपीट में एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल, इलाके में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात। यूपी के रायबरेली जिले में मचा हड़कंप, संदिग्ध हालत में युवक का मिला शव, पुलिस जुटी मामले की जांच में। यूपी के आगरा के मलूरा के पुल पर लटका मिला युवक का शव, पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत था कर्मचारी, परिवार में मचा कोहराम, हत्या की जताई आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई, ग्रामीणों का आरोप, दिन रात होता है अवैध खनन, लगातार हो रहे हैं हादसे। हमीरपुर जनपद में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित, आला अधिकारियों ने रक्तदान कर लोगों को किया जागरूक, रक्तदान को बताया महादान। सवाईमाधोपुर में दुल्हन ने चंबल नदी में लगाई छलांग, रास्ते में कार से उतरकर ब्रिज से लगाई छलांग, शादी के बाद विदा होकर जा रही थी ससुराल, खंडार क्षेत्र में हुई शादी का है मामला। अलवर के भिवाड़ी में चोरी की बाइक ले जाते हुए एक युवक को किया गिरफ्तार, पुलिस ने यह कार्रवाई चेकिंग के दौरान की, बाइक हरियाणा के रेवाड़ी निवासी मीणा कुमारी के नाम पर आई। सूरतगढ़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी। जोधपुर के फलोदी में राय का बाग क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, शमशान भूमि और मुख्य जल स्रोत की जमीन पर किया अतिक्रमण, प्रशासन भी बना मुक्त दर्शक। नागौर के मेड़ता में 315 केवी का ट्रांसफार्मर, गर्ल्स स्कूल के बाहर शिफ्ट, उपकरणों के जलने की संभावनाएं होगी कम। नागौर के डेगाना में हवचर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, इसमें एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से हुए घायल। प्रतापगढ़ में रविवार को एक बार फिर टिड्डी दल का हमला, कृषि विभाग ने ग्रामीणों से अपने स्तर पर टिड्डियों को भगाने की अपील की, टिड्डियों ने कई खेतों को बनाया निशाना। झालावाड़ के सालोला गांव में टिड्डी दल के पहुंचने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर टिड्डियों को भगाने का किया प्रयास, गनीमत रही टिड्डियों ने खेतों की ओर नहीं किया रुख। झुंझुनू के मंडावा में भीषण गर्मी के बीच लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जलदाय विभाग की लापरवाही आई सामने, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बाड़मेर के चौटन सहित आसपास के कई गांवों में हुई बारिश, किसानों ने खेतों में बुआई का काम किया शुरू, किसानों का कहना है कि इस बार बारिश अच्छी हुई तो, लेकिन टिड्डियों की चिंता सता रही है। श्रीगंगानगर के घरसाना में गर्मी ने दिखाए तीखे तेवर, हालांकि अधिकांश समय बादल छाए रहे, लेकिन गर्मी में कमी नजर नहीं आई, तापमान में बढ़ोतरी से लोग दिखे परेशान। बाड़मेर के समदड़ी में पुलिस जवानों की ओर से थाना परिसर में साफ सफाई की गई, बारिश के मौसम को देखते हुए की गई साफ सफाई। डूंगरपुर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, कई संस्थाओं के सदस्यों ने लिया भाग, शिविर में 50 से अधिक यूनिट हुआ रक्तदान। बारा के किशनगंज क्षेत्र में सैकड़ों परिवारों को सता रही पुनर्वास की चिंता, हथियादेह बांध निर्माण कार्य में डूब क्षेत्र में आए लोगों को सता रही चिंता। यूपी के उन्नाव में गोली लगने से युवक घायल, युवक पत्नी से चल रहा था विवाद, समझाइश के लिए आए थे ससुराल पक्ष के लोग, युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया फायरिंग का आरोप। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी, नमस्कार।